किसी ने बड़ा पाप किया है तो बहुत अधिक दिन नरक में रहेगा और बुरी दुनिया में रहेगा। तो बात न्याय की दृष्टि से विचार करें, हिंदू धर्म की मान्यता में वेद वेदांत के धर्म की मान्यता में और दूसरे मजहबों की मान्यता में जो फर्क है उसको समझना चाहिए। कौन अच्छा है कौन बुरा है वो तो अपनी श्रद्धा का अपने विश्वास की बात है, लेकिन न्याय देखो, कम काम कम दो, ज्यादा गोय ज्यादा दो, पाप पूर्ण के न्यूनाधिक से तारतम्य से कमोवृष्टि से मनुष्य को नरक स्वर्ग और सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसमें सिफारिश नहीं चलती है, ये एक मजहब का फर्क मैंने बताया, फर्क न हो सब एक ही हो ना, हाँ तो अलग अलग चले क्यों। अब देखो बुद्धिमान की प्रवृत्ति ही बुद्धिमान का आकर्षण किधर बता रहे, सबको बराबर, एक तरफ सबके लिए बराबर स्वर्ग, एक तरफ सबके लिए बराबर नरक, सीताराम ये कौन सा न्याय है, तो वैषम्य हुआ पक्षपात हुआ। और एक बार राजा भोज के दरबार में एक बच्चे के लिए दो माताएं लड़ती हुई आई हो, उसका कहना था मेरा बेटा है, उसका कहना था मेरा बेटा है, हमको दिलवा दिया जाए, दोनों रो रहे हैं, ये हमारे बेटे को जबरदस्ती लेना चाहती है, ये हमारे बेटे को जबरदस्ती लेना चाहती है, दोनों में बड़ा भारी झगड़ा था, दोनों बेटे की दावेदार। राजा भोज के सामने न्याय आया, क्या करना चाहिए, नहीं निश्चय कर सके, तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि तुम लोग निश्चय करो कैसे निर्णय किया जाए, वो तरीका बताओ कैसे निर्णय किया जाए कि किसका बेटा है। अब महाराज पहला दिन था कालिदास भोज की सभा में, महिला सही कपड़ा पहने, धोती पहने, कुर्ता पहने, द्वारपाल उनको दरबार में जाने नहीं देता था, उसको कुछ देने का वादा करके कि जो हमको इनाम मिलेगा राजा के दरबार में, हमको 10 रुपया मिलेगा तो 5 रुपया तुमको दे देंगे, ऐसा द्वारपाल से वादा करके दरबार में गए। जब ये न्याय आया तो कालिदास उसके खड़े हो गए, और कोई बड़े बड़े उनके नवरत्न थे और उनके दरबार में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, कालिदास उसके खड़े हो गए, उसके खड़े हो गए, निर्णय हम करेंगे। उन्होंने कहा कोई कुछ बोल ना था, जो मैं निर्णय करता हूं सबको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निर्णय इसका यह है कि बच्चे को काट के दो हिस्से में दोनों को आधा आधा बांट दिया। और लोग हाँ 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 क्या बोलता है क्या बोलता है क्या बोलता है। अब उन दोनों स्त्रियों में से महाराज एक उठी और बोली कि ये बच्चा पूरा का पूरा दूसरी को दे दिया जाए, काटा न जाए, और एक थी वो चुपचाप बैठी रही। कालिदास ने कहा जो कहती है कि बच्चा जिंदा रहे भले दूसरे के पास रहे वो इसकी असली माँ है, और जो कहती है बच्चों बच्चे के काटने में कोई रोती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, दुखी नहीं होती, वो इसकी माँ नहीं है। न्याय हो गया, बोलने उसी स्त्री को दिलवा रहे। अब ये बात भाई तुम कौन हो, तुमको क्या पुरस्कार मिले, क्या दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज उनको 50 तोड़े लगवाए जाएंगे। तुम 50 तोड़े क्यों लगवाना चाहते हो, हमको 50 लगेंगे तो आपका जो द्वारपाल है उसको भी 50 लगे। क्यों, पुरस्कार का आधा लेने का वादा करने पर हमको आपकी सभा में आने दिया जाते हैं। तो सबको बराबर इसका क्या अर्थ, बस उससे सिफारिश करवा दो, बस मत करो।
पाप चाहे जितना करो उससे सिफारिश करवा लो। न्याय की बात ये नहीं है, न्याय की बात ये है जिसका जैसा कर्म हो जितना कर्म हो उसका जितना दंड देना चाहिए और उतना दंड मिले और जितना पुरस्कार देना चाहिए उतना पुरस्कार। तो एक वेदांत धर्म की मान्यता ये, यहाँ जो 10 बार 100 गुना आनंद का वर्णन है तैत्तरीय उपनिषद में, एक मनुष्य है सार्वभौम है स्वस्थ है विद्वान है सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है धन धान्य से परिपूर्ण है पत्नी अनुकूल है। क्योंकि पत्नी अनुकूल न हो उसके पास जाए कितनी ऊंची कुर्सी हो दुख हो जाए, पुत्र अनुकूल न हो पति अनुकूल न हो पत्नी अनुकूल न हो अनुकूलता नहीं कुछ सुख है। व्यवहार का सार है दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे की सुविधा देखना। अगर ये आपको नहीं आता है तो व्यवहार नहीं आता है। अपनी अपनी चलाने वाला जिद्दी आदमी व्यवहार को नहीं समझता है, उससे फलत खराब है। तो भाई ठीक है, बात ये हुई 100 गुना मनुष्य का एक आनंद, उसका 100 गुना गंधर्व को आनंद, उसका 100 गुना कर्म देवता को आनंद, उसका 100 गुना आजान देवता को आनंद। ऐसे करते करते हिरण्य गर्भ पर्जन 5 बार बताया, 5 बार कि उनसे 100 गुना उनका, उनसे 100 गुना उनका, उनसे 100 गुना उनका। तो ये पहला प्रश्न तो ये है कि आनंद में कमो बेशी हो, जो ज्यादा पुण्य करता है उसको ज्यादा आनंद मिलता है, जो कम पुण्य करता है उसको कम आनंद मिलता है। तो ये पुण्य का जो तारतम्य है मध्यस्थ पूर्व पुण्याणाम उत्कर्षात वर्धते सुखात्। तो जब कम से कम पुण्य और अधिक से अधिक पुण्य दोनों के बीच में रहते हैं तो जिसका जितना अधिक पुण्य उसको उतना अधिक सुख मिलता है और जिसका जितना कम पुण्य उसको उतना कम सुख मिलता है। सुखों का कर्म से जो सुख मिलता है उसकी अंतिम सीमा हिरण्य गर्भ है, उसको जो आनंद मिलता है निष्काम ज्ञानी पुरुष को वो आनंद तो मिलता ही है। हिरण्य गर्भ का आनंद ब्रह्मा का आनंद तो निष्काम ज्ञानी को मिलता ही है, उसके सिवाय अपने स्वरूप का जो आनंद है अनंत आनंद वो भी मिलता है। और जाते को पानी पीने पर जो मजा आता है वो मजा जिसको प्यास नहीं लगी है उसको खुद पसंद है। प्यास लगी किसी चीज को चाहने लगे तो जिसकी उसको पाया पा के भोगा, भोगने के बाद एक सुख हुआ। और एक वो है जिसको उस सुख की चाह ही नहीं है, श्रोत्रिय अकाम हतस्य ज्ञानी पुरुष है और कामना उसके दिल को घायल नहीं करती है। जिसका हृदय कामना से वासना से घायल होता है उसको अपने अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं, दूसरा कहेगा तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, दूसरे को तो अच्छा लगेगा पर अपने को पता ही नहीं लगेगा। वो अपने को नहीं चाहेगा वो दूसरे को चाहेगा, हमारी आंख कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे होंठ कैसे हैं, हमारी त्वचा कैसी है ये उसको पता नहीं चलेगा। अपने को नहीं देख पाएगा वो, दूसरे में सुख देखेगा और उसके लिए व्याकुल हो जाएगा, उसके लिए प्यास आ जाएगा। और जो अपने स्वरूप को देखता है, तुम अपनी विशेषता क्यों नहीं देखते, तुम्हारे अंदर कितनी मिठास है, तुम्हारे अंदर कितना अमृत है, तुम्हारे अंदर कितना सौंदर्य है, तुम्हारे अंदर कितना माधुर्य है। अपने में हीनता का भाव करके अरे हमारे अंदर तो कुछ नहीं, जो कुछ है सब सामने वाले में है, चलो उनके पीछे 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 चार कुर्सी करें खुदावत करें। अपने को
अपने स्वरूप को न देखना कि मैं कैसा हूँ, और दूसरे को देखना ये अपने में हीनता का भाव है। वेदांत इसको बिल्कुल दूर कर देता है। रूप नहीं है तो गुण है, जीव है तो भाव है ना, अपना दिल है, शरीर नहीं है तो क्या होगा, अपना दिल है। जो संतोष वाली बातें हैं, सुख वाली बातें हैं, उन पर तो लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसी ताड़ी हमारे नहीं है, ऐसे बाल हमारे नहीं है, ऐसी चमड़ी हमारी नहीं है, मरो सारे है ना, अपनी कमी देख देख के, अपनी कमी देख देख के। ये ब्रज की बोली है, बड़े प्यार वहाँ कृष्ण को ग्वाल बाल ताले कह के पुकारते हैं। अपने में तो दिखेगी कमी और दूसरे में दिखेगी पूर्णता। ऐसी हमारी मोटर नहीं, ऐसा हमारा मकान नहीं, ऐसा हमारा फर्नीचर नहीं, जो है उसका तो मजा नहीं लेंगे और जो नहीं है उसके लिए रो लेंगे। तो अपने पद का जो आनंद है, अपने स्वरूप का जो आनंद है, आप चैतन्य हैं, आप अपने बड़े प्यारे हैं, आप हैं, आप ईश्वर के साथ मिले हुए हैं, आप अपनी विशेषताओं को भूल करके और दूसरे की विशेषताओं की कल्पना करके और उसके लिए रोते हैं, हमारे ये नहीं, हमारे ये नहीं, हमारे ये नहीं। कभी मैंने एक चुटकुला पढ़ा था, चुटकुला मैना एक चिड़िया होती है, मैना यहाँ क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, हिंदी में मैना बोलता है। उसका बच्चा एक दल रोने लगा, माँ ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है, वो बोला कि हमको तो मोर का जो बच्चा है ना, सामने पेड़ पर मोर है, मोर का बच्चा है, हमको तो वैसी रंगा रंग देह चाहिए, हमको वो शरीर चाहिए वैसा, वो क्या हरा है, पीला है, नीला है, क्या नील कंठ है, वो चमाचम चमकता है, उसने कहा हमको तो वैसा शरीर चाहिए। अब रोवे, हमको तो वैसा शरीर चाहिए। मैना ने कहा कि अच्छा बेटा, कल मैं तुमको बताऊंगा। अब कल हुआ, फिर रोने लगा, बोले चलो चले, तो वो जहाँ मोर का घोंसला था, पेट पर जहाँ मोर रहता था वहाँ गई, तो वहाँ मोर का बच्चा रो रहा था। अच्छा सुनो बेटा, ये क्यों रो रहा है, तो मोर का बच्चा अपनी माँ पे रोता था, तो माँ ने पूछा बेटा तुमको क्या चाहिए, बोले हमको वो जो पड़ोस में मैना रहती है ना, उसकी जैसी आवाज चाहिए, न मोर को अपनी सुंदरता का अनुभव है और न मैना को अपनी आवाज की मिठास का अनुभव है, दोनों अपने में कमी का अनुभव करके रोते हैं और दूसरे की विशेषता देखते हैं। यही संसार की हालत है। अपनी आंख तो आदमी को दिखती नहीं है कि कैसी है, दूसरे की आंख देख खेल उठा जाता है ना। आपने अपनी आंख की पुतली पीछे नहीं देखी होगी, कुछ कभी नहीं, जो बहुत पास रहती है चीज वो मालूम नहीं पड़ती है। अपना स्वरूप चूंकि सबसे पास है, मेरा मैं मेरे से ज्यादा पास है, मेरा पैसा है ना, मेरी औरत, मेरा मर्द, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा मेरा जो चीज दुनिया में होती है वो तो दूर होती है, सबसे पास तो बल्कि पास पास भी कहना गलत, ऐसा है अपना मैं, उसकी विशेषता दिखा देना, ये वेदांत का काम है। आखिर आप क्या हैं, अपने आप को तो जानते नहीं। एक आदमी ने जाके महात्मा से पूछा, हो महाराज ईश्वर कैसा है, और तुम ईश्वर को जानना चाहते हो, कहाँ जानना चाहते हैं महाराज, ईश्वर को जानना चाहते हैं। अच्छा ईश्वर तो सारी दुनिया में रहता है ना, इस देह में तुम्हारे जो तुम हो उसको तुम जानते हो,
सारे तीन हाथ के शरीर में रहने वाले अपने आप को तो तुम जानते हैं और सारी दुनिया में रहने वाले ईश्वर को जानना चाहते हो, छोटा नमूना तो देखा नहीं, बड़े को पहचानना चाहते हो। अरे भाई पहले देखो तुम कौन हो। इस देखने में बाधा क्या है? ये निष्कामता की यहाँ प्रशंसा है। श्रोत्रिय अकाम हतर, तुम्हारा दिल घायल है कि नहीं, उसमें कोई चोट लगी नहीं है। तो जब कहीं चोट लगती है ना तो आदमी छटपटा जाता है, वो बिबट जाता है। तुम्हारे दिल पर जो बाहर की चोट लगी है, नन्ही सी तो बिचारी तिलड़ी, हिंदी लोग तिलड़ी बोलते हैं, तिलड़ी, नन्ही सी नन्ही मुन्नी तो तिलड़ी, और उसमें घुस गया बाहर का मकान तो फटेगा नहीं तो क्या होगा, उसने बैठ गया साढ़े तीन हाथ का मुटियार, मारवाड़ी लोग मुटियार, आदमी को मुटियार बोलते हैं, आदमी का नाम मुटियार है, उसमें घुस गई कोई दुगाया बताया, माई भाई जरी जरा की तो सिलड़ी, उसमें दूसरे को कुचेर करके रखोगे तो दिल फटेगा नहीं तो और क्या होगा। तो जिसका दिल घायल होता है वो विवशता रहता है, वो तकलीफ पाता रहता है। आदमी जब चिड़चिड़ा हो जाए ना तो समझ जाना कि इसके दिल में कुछ घुस गया है, घुस गया ये चिड़चिड़ापन क्यों है, चिड़का ज्यादा क्यों है, तो ये कुछ चाहता है और वो उसको मिल नहीं रहा है। ये जितना चिढ़ना है गुस्सा गुस्सा का हुआ था, तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, तुम चाहते थे कोई आवे तुमसे नहीं आए, तुम चाहते थे कोई प्रेम से बोले तुमसे नहीं बोला, तुम किसी को चाहते थे कि हमारे मन के अनुसार काम करे नहीं किया, तो फिर से चिड़चिड़ाहट आ गई, चिड़चिड़ाहट। छोटी चीज में जब बड़ी चीज पड़ जाती है तब वो फटने लगती है, वो ये दिल के फटने का चिड़चिड़ा होने का यही राज है, तुम कुछ चाहते हो और वो तुमको मिल नहीं रहा। तो तुम अपने घर में तृप्त नहीं हो, तब एयर कंडीशन दुकान में जाके होटल में जाके बैठते हो, तुमको अपने घर का पानी अच्छा नहीं लगता है, तब तुम जाके दूसरे के घर में कोका कोला पीते हो। क्यों फिर क्यों जाते हो? तो अकाम हतस्य, जिसका हृदय कामना से वासना से घायल नहीं है वो इंद्र भी नहीं होना चाहता, वो ब्रह्मा भी होना नहीं चाहता, वो विष्णु भी होना नहीं चाहता है। तो वो जो न चाहने वाला है, जिसके दिल में प्यास नहीं लगी है, वो पानी पीने वाले को जैसी तृप्ति है उससे ज्यादा तृप्ति उसको स्वयं में हो। तो जो अपने पद में तृप्त नहीं है, अपने स्वरूप में तृप्त नहीं है, उसको दूसरे से रस चाहिए, दूसरे से आनंद चाहिए, दूसरे से स्वाद चाहिए। तो भाई उनके घर में जलपान अच्छा होता है, तो उस होटल में भोजन बढ़िया मिलता है, वहां जाने से चौपाटी की भेदू पूरी अच्छी लगती है तो जीत लो, और वहां आपको भी कुछ अच्छा लगता है। ऐसे नारायण, तो अपने आनंद को न जानकर दूसरे में आनंद जानना, और होता यह है कि दूसरा तुम्हें आनंद मानता है, दूसरा चाहता है कि तुम उसको मिलो, और तुम चाहते हो कि वो हमको मिले। तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है? अच्छा एक बात आप देखो, आपका कुत्ता आपसे कितना प्यार करता है, आपके सामने पूंछ हिलाता है, आपकी गोद में आने की कोशिश करता है, आपको अपनी चीज से चाटता है, उसको आप में कुछ मजा आता होगा तभी तो।
आप में क्या मजा है इस बात को आपका कुत्ता समझता है, परंतु आप नहीं समझते हैं कि मेरे अंदर क्या मजा है। ईश्वर की कृपा से आत्मसुख क्या होता है, किले में रहना माने सत्संग में रहना, सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित, सत्संग जो है वो दुर्ग है, किला है, राजमहल है, इसमें रहना और रोज अमृत पीना हो, चीज खाना, हलवा खाना, पूरी इसका क्या मतलब है कि खूब भूख लगे तब खाना, पर जो चीज तुमको मिलेगी वही बहुत मीठी, बहुत मीठी, बहुत मीठी लगेगी। तो जिनको भूख नहीं है वो कुछ गिरा देते हैं, कोई कुछ निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं। तो अब एक बात देखो, मनुस्मृति की सुनाते हैं, उसमें लिखा है कि आपको वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन किए बिना वेदांत का फल मिल जाए, इसका क्या उपाय है? मनुस्मृति का लिखा है, यज्ञ वान मनते शुद्धे सम्यक गुप्ते सर्वश सौ वही सर्वभवात्मोति वेदांतो भगतम सदा। मनुस्मृति का स्वर जिसकी वाणी शुद्ध है उसमें क्रोध का मिश्रण नहीं हुआ हो, लोगों की वाणी जो है ना उसमें जब गुस्सा आकर मिल जाता है, क्रोध से बोलता है, लालच आके मिल जाती है और इससे कुछ कर लें, कामना आके मिल जाती है, मोह पक्षपात देती वेदा ना देता रिश्तेदार, ये वाणी शुद्ध नहीं है। वो किसी चीज में जब दूसरी चीज मिल जाती है तब वो शुद्ध नहीं रहती है, अशुद्ध हो जाती है। आपकी गोली में क्रोध मिल गया, आपकी गोली में काम मिल गया, आपकी गोली में लोभ मिल गया, आपकी गोली में मोह मिल गया, अशुद्ध हो गई गोली आपकी, शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई। यज्ञवान मन की शुद्ध है, हित हो गए, प्रिय हो गए। यदि सत्य भी कड़वा हो तो मत बोलिए, बिना बोले काम चल जाए, किसी का नुकसान न होता हो तो मत बोलिए। बोलना धर्म नहीं है, वो हित करना धर्म है, भलाई करना धर्म है। यज्ञवान मन से शुद्ध है और मन शुद्ध हो, अपनी सुविधा का ज्यादा ध्यान न रखता हो, सामने वाले की सुविधा का ज्यादा ध्यान रखता हो। मन माने सद्भावना संपन्न मन, अपना बड़प्पन जाहिर करने के लिए नहीं, दूसरे को बड़प्पन देने के लिए मन चाहिए। देखो हम ऊपर बैठे हैं, हमारे अभिमान भी हो सकता है कि हम तुम लोगों से बड़े हैं इसलिए ऊपर बैठे हैं, लेकिन तुम लोग कितने उदार हो, दूसरे को ऊपर बैठा कर विनय संपन्न हो कर नीचे बैठे, ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारा सद्गुण है। आपका दुश्मन आपको जब मिले तो उसको देख के उठ के खड़े हो जाए और हाथ जोड़े और बड़े प्रेम से मुस्करा के उससे बात कीजिए और अपने से ऊपर बैठा जाए, तब देखिए कि आपका हृदय कितना निर्मल कितना प्रसन्न होता है, है? एक बार रात को होता है, रात को जब सोने लगे तो थोड़ा ख्याल कीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो हमसे दुश्मनी करता हो, कर लीजिए कोई बात नहीं, फिर कहिए कि अच्छा हम अपना प्रेम उसको देते हैं। रात को सोते समय
सोचिए कि हम उसको अपना प्रेम समर्पित करते हैं, उसके हृदय में परमेश्वर है, हम उसको प्रेम समर्पित करते हैं, उसके लिए हमारे दिल में कोई जलन नहीं है, उसके लिए हमारे दिल में कोई लोभ शक्ति नहीं है, उसको हम अपना प्रेम समर्पित करते हैं। यज्ञ बात मन से सोचते आप अपने मन को निर्मल रखिए और वाणी को निर्मल करके बोलिए सम्यक उत्तेज सर्वतः, और उसको सुरक्षित रखिए, उसमें कोई दूसरा घुसने न पाओ, न दिल में न वाणी में। सवै सर्वमवाप्नोति वेदांतो भगतम फलम। वेदांत ब्रह्म ज्ञान उसके हृदय में आएगा, वेदांत का ज्ञान उसके हृदय में आएगा। जो दूसरे का नुकसान चाहता है, जो अहंकार से ग्रस्त है, जो दूसरे के प्रति दुर्भावना रखता है, जो दुष्चरित्र है, वो वेदांत बात कर सकता है, उसके अनुभव में वेदांत नहीं आ सकता। श्री उदिया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोल सकते, यज्ञवान मन से शुद्धे सम्यक गुप्ते सर्वतः, वो बोलते थे सर्वम जन्म मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञान विषय प्रलाप किम करिष्यति। श्लोक बार बार बोलते थे, श्लोक महाभारत में है। इसका अर्थ है जहां कपट है, जहां कुटिलता है, वहां मौत आ रही है, जहां आकर मृत्यु निवास करेगी। जहां कपट है, जहां कुटिलता है, वहां मृत्यु का निवास है। बहुत बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप ज्ञान चाहते हो तो कुटिलता का परित्याग करो और सरलता का धारण करो। इसी का नाम अंतकरण की शुद्धि। तो अपने स्वरूप को न चाहना और अलग अलग स्वरूप को चाहना, अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप के जो सुख है उसको देखो। ज्ञानी को किसी से सुख खरीदना नहीं पड़ता, किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता, वो सबको देता है, अपना जीवन देता है, अपना ज्ञान देता है, अपना प्रकाश देता है, अपना सुख देता है, अपना दास देता है। सारी विश्व सृष्टि को तृप्त करने के लिए ज्ञानी है। तो बोले भाई असल में जो आनंद देवता में है वही आनंद मनुष्य। पहले हम रामायण पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, सभी लोग पढ़ते तो नहीं थे, पहले मेरे को अच्छा की पहचान नहीं थी ना, और हमारी माँ पढ़ती थी, बड़े मोटे मोटे अक्षरों में पता गया था। सब अक्षर हमको एक ही तरीके लगते थे। गांव में भेंट कर करने आती थी, हजार हजार पांच पांच सौ भेड़ों का झुंड आता था, तो हम नहीं पहचानते थे कि कौन सी भेड़ किस गिरजे की है। हमको पहचानते ही नहीं थे, हमको तो सब भेड़े गेड़े थे, काली 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 ऐसे पोती पर काले काले अक्षर, हमको सब भेड़े की तरह पालन करते। अब माँ उसको पढ़ के चौपाई बोलती हो, बड़े राग से बोलती, स्वर से बोलती, तो मैं जाके उसके बगल में बैठ जाता, झांकता, देखा बड़े दो तीसरी चार सब काली 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 काली, तो उसने हमको पहचान कराई। देखो ये का है, ये का है, ये राम है, ये सीता है, लक्ष्मण है। धीरे धीरे मैंने रामायण पर अक्षर पढ़ लिए, सीख लिया। हमको अक्षर ज्ञान जो है, स्वर व्यंजन का ज्ञान, मात्रा का ज्ञान रामायण को कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बांटने लग गया हूँ। बिना एक अक्षर लिखना नहीं आता था जब मैं रामायण बांट करता था। माँ रोजी रामायण पढ़ती थी और आंसू उसकी आंख से एक दिल होता है, ईश्वर के लिए प्यार होता है, बच्चे के लिए रोते हैं, समय से स्कूल से नया हुए
तो दिमाग खराब हो जाता है, वो क्या हुआ, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया, और ठीक समय पर भोजन न मिले तो ये तकलीफ पड़ते हैं। और मैंने देखा एक आदमी तो उसके सामने थाली आई, जरा 5 मिनट रेट से आई, उसने बहुत चांदी की थाली और उसने दाल रोटी साग सब खाओ, अलग अलग उसने खाने बने हुए थे, चांदी की थाल कर 5 मिनट देर हो गई, चौके में बैठने का वो खा के उसने जो भोज थाली थी नीचे एक ही मंजिल नीचे जाके अन्न तो खराब हुआ तो खराब हो, थाली जो है वो बिल्कुल धूल बुढ़ाए थे एकदम सूखे। हमने कहा हे भगवान, ऐसे आदमी को तो तुम रोटी देते हो है? जो रोटी का तिरस्कार करता है, जो रजसम जो चांदी का तिरस्कार करता है, जो रोटी का तिरस्कार करता है, उसको तो तुम रोज भोजन देते हो, बड़े उदास हो। लेकिन महाराज मैंने देखा है ना, 10-20 बरस हो गए देखा आप उसको खाने को रोटी में, जो अन्न का तिरस्कार करेगा अन्नम ननिंदा, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्नम बहुपुर अन्न का खूब आदर करना चाहिए, अद्याद अन्नम अकुत्तया। मनु जी ने कहा मनुस्मृति कहा जाए सत्कार मनुस्मृति कर और अकेले में खाना देखना, केवल आगो भवती या केवल आदि, जो केवल अपने लिए बनाकर खाता है, अपने लिए पकाकर खाता है वो केवल पाप खाता है, खिला के खाता है, और ज्यादा न हो तो पिज्जा को छोड़ दे, चिंजी को छोड़ देन, केवल आगो भवती या केवल आदि, अपने हृदय में उदाहरता रखनी चाहिए। तो देखो असल बात यह है कि बड़े बड़े देवताओं को जो आनंद मिलता है, ब्रह्मा को जो आनंद है, विष्णु को जो आनंद है, शिव को जो आनंद है, इंद्र को जो आनंद है, सूर्य में अग्नि में वायु में जो आनंद है, वही आनंद जिज्ञासु पुरुष की आत्मा है उसमें भी बनते हैं, और सब मनुष्यों में स्त्रियों में पुरुषों में वही आनंद भरा हुआ है। आदित्य चांद्य देवेशु गुप्त पुरुषो पुरुषे, जिज्ञासु पुरुष में जो आनंद है, अन्येषु मनुष्येषु च दूसरे मनुष्यों में जो आनंद है, और आदित्य सूर्य में जो आनंद है, और दूसरे देवताओं में आनंद है, तो आनंदो न विद्यते, आनंद आनंद में फर्क नहीं है, वही आनंद तुम्हारे अंदर है, तुम अपने आनंद को अपने रस को नहीं देखते हो, अपने स्वाद को नहीं देखते हो। देखो सबसे ज्यादा प्रिय मनुष्य को क्या है, जिससे तकलीफ मिलेगी, ताप कला, तकलीफ माने संस्कृत में बोलेंगे ताप कला, थोड़ी सी भी तकलीफ रोज किसी से मिलने लगे तो उसको छोड़ने का मन रहता है, और थोड़ा सा भी सुख किसी से रोज मिले तो उसके साथ जाने का मन रहता है, उससे मिलने का मन रहता है, तो मनुष्य सुख से प्रेम करता है, आनंद से प्रेम करता है, रोने वाले से प्रेम नहीं होता, मुस्कुराने वाले से प्रेम होता है, रोज गुस्सा करने वाले से प्रेम नहीं होता है, गुस्सा करने वाले से प्रेम देखते हैं, रात तक छोड़ देते हैं, आंख नीची कर लेते हैं, बाबा मिलेगा तो चार सुना देगा, आंख नीची कर देते हैं, रात तक आंख नीची कर लेते हैं, मिलेगा तो चार सुना देगा, अरे रोज मिलेगा तो वही रोने लगेगा वो, है ना, वही वही अपनी कथा, हमारे पास 3-4-5 आदमी ऐसे होंगे जिनसे हमारा 30-30 बरस से संबंध है, 40-40 बरस से, उनकी चिट्ठी जब आती है तब रोने की भी आती है, रोज उनको खाने को मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान है, तनख्वाह आती है ना, बेटी है, बेटा है, पत्नी है ना, शरीर भी ठीक है, लेकिन जब चिट्ठी आती है तब रोने की आती है, ये ईश्वर के प्रति कृतज्ञ लोग हैं, कृतज्ञ जो मिलता है उसका तो आदर नहीं करते हैं,
और हर समय शिकायत, हर समय शिकायत, शिकायत ही रहा। इनका नाम शिकायत। देखो तिब्बत में कथा है, एक सज्जन एक दिन सिर पे पट्टी बांध के महात्मा के पास गए। लामा लोग होते हैं ना, लामा के पास गए। तो लामा ने देखा, बोले अरे हो आज अपने सिर पे नाटो बांधा है, नाटो लगाए थे। बोले महाराज दर्द है सिर में, इसलिए पट्टी बांध गए। कई बरस का हुआ था, 30 बरस का। 30 बरस में और कभी सिर में दर्द हुआ है कि ना महाराज? कभी नहीं हुआ। तो 30 बरस ईश्वर ने तुमको दर्द नहीं दिया, इसके लिए तो एक दिन भी ठंडा नहीं लगाया। 30 वर्ष में एक दिन जरा सा दर्द दे दिया तो तुम ईश्वर को बदनाम करके फिरते हो, तो उसने हमको दर्द दिया है, दर्द दिया है, दर्द दिया। तो जिनकी रोने चिल्लाने की आदत पड़ जाती है तो कहाँ हो गए, अपना स्वभाव है। प्रेम मुस्कान से होता है, प्रेम आनंद से होता है, प्रेम सुख से होता है, प्रेम विश्वास से होता है। हमारे ऊपर कितना विश्वास करता है, प्रेम सेवा से होता है, ये हमारी हमको कितना सुख पहुंचाना चाहता है। प्रेम जहाँ आनंद मिलता है वहां से होता है। तो प्रेम कहाँ है तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? झूठ मत सोचना हो, झूठ मत बोलना, झूठ मत सोचना, तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से। अपनी अनुकूलता से ईश्वर अपने मन का काम ईश्वर कर दे ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने मन के खिलाफ कर दे तो ईश्वर को भी चार खिलाफ है। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी बरसात, और आज हमको रेस में पैसा नहीं मिला, ईश्वर को गाली देते हैं। चूहे में अपनी बाजी नहीं आती है ना, तो ईश्वर को गाली देते। अपने मन का काम लो, माने ईश्वर का एक नौकर है, हम जो चाहें सो करे, ईश्वर नौकर। तो हम अपनी अनुकूलता को, हे ईश्वर तुम हमारे बेटे पर पहरा दो, हमारे धन पर पहरा दो, कोई चोरी न होने पावे, बेटे को रोग न होने पावे, हमारे मकान में आग न लगने पावे, हे ईश्वर, है ना, तुम पहरेदार बन के हमारे घर में रहो। ये कोई ईश्वर का आदर है? भागवत में एक जगह लिखा है, तो ये जो ईश्वर है ना, ये अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता है कि उनके चरणों की धूल हमारे ऊपर, ऐसा भागवत में लिखा है। अब महाराज एक भक्त थे, वो कहने लगे कि महाराज इतने दिनों तक तो मैं भक्ति करता हूँ, और जब रास्ते में चलता हूँ तो घूम घूम के देखता हूँ ईश्वर मेरे चरणों की धूल अपने सिर में लगाता है। तो अब ऐसे भक्तों को ईश्वर को पहचानता होगा ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये हमारी भक्ति इसलिए करता है कि मैं इसके चरणों की धूल अपने सिर पर, इसके मन का काम करता है, इसका नाम रखता है। सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य का अपने आत्मा से होता है। नारायण वही ब्रह्मानंद है, वही परमेश्वरानंद है, वही भागवत आनंद है, वही भजनानंद है। सबसे बड़ा आनंद इसको जानो, इसको मानो, इसको अनुभव करो, इसमें बहुत सुख है।